हेलो गाइस, तो हम करने वाले हैं आज क्लास 11 चैप्टर 6 द थ्री ऑर्डर्स के एमसीक्यू। चलिए देखते हैं इन्हें। क्वेश्चन 1। मॉन्क्स मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्रीचिंग टू द पीपल एंड लिविंग ऑन चैरिटी। दीज मॉन्क्स वर नोन एज, मतलब भिक्षु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, लोगों को उपदेश देते थे और दान पर रहते थे, इन भिक्षुओं को किस रूप में जाना जाता था। ऑप्शन ए मैनोर, ऑप्शन बी फ्रायर्स, ऑप्शन सी तीथ, ऑप्शन डी सर्स। आंसर ऑप्शन बी फ्रायर्स। क्वेश्चन 2। वी सी द राइज ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की इन द यूरोप, मतलब हम यूरोप में पूर्ण राजशाही को उदय देखते हैं, कौन सी सेंचुरी में देखते थे। मतलब ऑप्शन ए 15th and 16th centuries, ऑप्शन बी 13th and 14th century, ऑप्शन सी 12th and 13th century, ऑप्शन डी 16th and 17th century। इसका आंसर है ऑप्शन ए 15th and 16th century। क्वेश्चन 3। देयर वॉज अ ग्रोइंग अनसर्टेनिटी अबाउट द वैल्यू एंड पर्पस ऑफ मोनेस्टिज्म बाय द, मतलब माथावाद के मूल्य, वैल्यू एंड उद्देश्य, पर्पस के बारे में अनिश्चितता बढ़ रही थी, कौन सी सेंचुरी में बढ़ रही थी। ऑप्शन ए 13th century, ऑप्शन बी 14th century, ऑप्शन सी 15th century, ऑप्शन डी 16th century। इसका आंसर है ऑप्शन बी 14th century। क्वेश्चन 4। व्हाट वर कैथेड्रल टाउन्स, कैथेड्रल्स शहर मतलब क्या था। ऑप्शन ए टाउन्स डेवलप्ड अराउंड प्लेन्स, टाउन डेवलप्ड अराउंड चर्चेस, टाउन डेवलप्ड अराउंड इंडस्ट्रीज, टाउन डेवलप्ड अराउंड कैपिटल। ऑप्शन बी इसका आंसर है ऑप्शन बी टाउन्स डेवलप्ड अराउंड चर्चेस। क्वेश्चन 5। द लैंड ग्रांटेड बाय द लॉर्ड टू द नाइट वॉज कॉल्ड, मतलब भगवान द्वारा शूरवीरों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए फीफ, ऑप्शन बी फ्यूड, ऑप्शन सी सेग्नर, ऑप्शन डी मैनोर। तो यहाँ पे मैं आप इन सब के वर्ड के मतलब भी बता दूँ। फीफ का मतलब मिल्कियत, ऑप्शन बी फ्यूड का मतलब है झगड़ा, ऑप्शन सी सेग्नर का मतलब है ज़मींदार, ऑप्शन डी मैनोर का मतलब है जागीर। इसका आंसर है ऑप्शन ए फीफ। क्वेश्चन 6। अ गिल्ड वॉज एन एसोसिएशन ऑफ, एक गिल्ड किसके ऊपर था या किसका था। ऑप्शन ए मॉन्क्स, ऑप्शन बी फार्मर्स, ऑप्शन सी क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री, या ऑप्शन डी लॉर्ड्स। इसका आंसर है ऑप्शन सी क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री। क्वेश्चन 7। द किंग हु वॉज डिक्लेयर्ड द होली रोमन एम्परर वॉज, वो राजा कौन था जिसे पवित्र रोमन सम्राट घोषित किया गया था। ऑप्शन ए चार्लेमैन, ऑप्शन बी लुइस वन, ऑप्शन सी लुइस टू, ऑप्शन सी लुइस थ्री। इसका आंसर है ऑप्शन ए चार्लेमैन। क्वेश्चन 8। द फर्स्ट किंग हु वॉज डिक्लेयर्ड द होली रोमन एम्परर वॉज, ये भी क्वेश्चन 7 की तरह है, बस इसमें फर्स्ट का पूछा गया है, इसका मतलब बताया तो वो कौन सा राजा था जिसे पहला पवित्र रोमन सम्राट घोषित किया गया था। ऑप्शन ए चार्लेमैन, ऑप्शन बी लुइस वन, ऑप्शन सी लुइस टू, ऑप्शन डी लुइस थ्री। इसका भी आंसर ऑप्शन ए चार्लेमैन। क्वेश्चन 9। वन ऑफ द ग्रेजुअल चेंजेस दैट अफेक्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द लॉर्ड एंड द वेसल्स वॉज, इसका मतलब है शासकों और जागीरदारों के बीच सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले सकर्मिक पवित्रों में से एक था, मतलब कौन सा था। ऑप्शन ए एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी लैंड यूज, ऑप्शन डी न्यू टाउन्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी एनवायरनमेंट। क्वेश्चन 10। हु वॉज विलियम वन, विलियम वन कौन था, ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, ड्यूक ऑफ एक्स्टर, ऑफ ड्यूक ऑफ सोमरसेट, ऑप्शन डी ड्यूक ऑफ डार्लिंगटन। इसका आंसर है ऑप्शन ए ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी। क्वेश्चन 11। अकॉर्डिंग टू फ्रेंच प्रीस्ट द बेसिस क्लासिफिकेशन अमंग द थ्री ऑर्डर वॉज,
फ्रेंच पीस के अनुसार तीन आदेशों के बीच वर्ग वजीकरण का आधार क्या था? ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी रेस, ऑप्शन सी वेल्थ, ऑप्शन डी नेचर ऑफ वर्क। इसका आंसर है ऑप्शन डी नेचर ऑफ वर्क। फर्टाइल ऑप्शन क्वेश्चन 12 फर्टाइल लैंड वॉज नोन एज ऑप्शन ए फ्रैंक्स, ऑप्शन बी गोल्स, ऑप्शन सी मैनोर, ऑप्शन डी फेफ। इसका आंसर है ऑप्शन सी मैनोर। द नाइट वॉज एन गिवन अ पीस ऑफ लैंड बाय द लॉर्ड, दिस पीस ऑफ लैंड वॉज कॉल्ड, शूरवीर को प्रभु द्वारा भूमि का एक टुकड़ा दिया गया था, भूमि के टुकड़े को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रैंक्स, ऑप्शन बी टोल, ऑप्शन सी मैनोर, ऑप्शन डी फीफ। इसका आंसर है ऑप्शन डी फीफ। द क्वेश्चन 14 द चर्च वॉज गिवन द राइट टू टेक 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस ऑफ द पीसेंट ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर विच वॉज कॉल्ड अ चर्च को एक वर्ष का दौरान मतलब है चर्च को एक वर्ष के दौरान किसानों को 1/10 हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया था, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टेल, ऑप्शन बी टोल, ऑप्शन सी टीथ, ऑप्शन डी फ्रैंक्स। इसका आंसर है ऑप्शन सी टीथ।